ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिहाज से एक और बड़ी खबर ये कि 10वें दिन की शुरुआत में महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने गोल्ड जीतकर देश की झोली में डाल दिया। मैरी कॉम ने अपनी प्रतिद्वंदी नॉर्थन आयरलैंड की क्रिस्टीना ओकुहारा को 48 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में मात देकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए आखिरी और निर्णायक मुकाबले में 5 राउंड खेले गए, जिनमें मैरी कॉम ने सभी राउंड में बढ़त को लेकर करार रखा और देश के लिए गोल्ड हासिल कर लिया, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मैरी कॉम का पहला पदक है। तो वहीं शुक्रवार तक भारत ने कई स्पर्धाओं में कुल 11 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। बता दें कि भारत मेडल टैली में अब कुल 42 पदकों के साथ तीसरे पायदान पर बना हुआ है, जिसमें 18 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे गोल्ड मेडल का ये आंकड़ा और बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से भारत ने साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। उस समय भारतीय टीम ने 15 गोल्ड हासिल किए थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।